ये मैंने इसमें पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि इसी से होगा ना, ये पानी है और इसमें ये आपका जो सर्फ है इसको डालने की डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में बताएंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ये मैंने इसमें सर्फ डाला, अब इसको मैंने इस चम्मच से हिलाया। अगर इसमें कोई केमिकल नहीं है, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल अच्छा है, कपड़े अच्छे रहते हैं, त्वचा भी अच्छी रहती है, हमारे हाथों की जो स्किन है उससे कोई गड़बड़ नहीं होती, तो इसमें एक रियल चीज़ है जिसे तो इसमें एक रियल चीज़ है हमारे पास हल्दी, तो ये मैं हल्दी डालता हूँ इसमें। ये मैंने इसमें हल्दी डाली, अब इसको हिलाते हुए पानी में हिलेगा ये, तो देखिए इसका कलर कैसा है, लाल हो गया ना, तो इसका मतलब है इसमें कहीं न कहीं केमिकल है। अब रसर कहते हैं हमारी चीज नेचुरल है, हम इनका भी करेंगे, ये कौन से हमारे सगे हैं, सही हमें करना चाहिए, yes. तो हम उसका भी करके देखते हैं। रसर ने कहा तो हम इनका भी, यही जो पानी है इसमें हम वो पानी डालते हैं, साथ में इनका एक सर्फ है, ये हमारा भी कपड़े धोने का इनका लिक्विड है, साबुन भी आप कर सकते हो, कोई भी साबुन लेंगे और इसका जो गैनोजी साबुन है वो भी डाल, उससे भी कर सकोगे। ये सब हमने इसमें ये भी डाला, अब हमने इसको भी हिलाया, हमने इसको भी हिलाया, अब इसमें भी हल्दी डाली थी, अब इसमें भी डाल के देखते हैं, तो हमें दूध का दूध पानी का पानी होने में देर नहीं लगेगी। ये साहब इसका नेचुरल है, अब आप बताइए असली कौन सा नकली कौन सा, असली कौन सा नकली कौन सा आपके सामने है। आप साबुन का भी करोगे, साबुन का भी होगा, अब आप अंदाजा लगाइए, इससे हम कपड़े धोएंगे, अपने चेहरे को साफ करेंगे, अपनी बॉडी को साफ करेंगे तो हमें नुकसानदायक है या अच्छा है, इससे करेंगे तो वो आपके, आप समझदार हैं, अब हमें किससे करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा नकली है, कौन सा असली है, आप पर डिपेंड है। किसी के साथ जय हिंद, जय भारत।